नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल स्पाइस ऑफ लाइफ में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल मसालेदार शिमला मिर्च की सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी और टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने शिमला मिर्च और आलू को काट लिया है, लंबे लंबे साइज़ में काटा है मैंने इसे और अच्छे से वॉश कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक बारीक कटा प्याज लिया है, दो हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और साबुत धनिया लिया है, इसे कूट लिया है मैंने हल्का सा। अब यहाँ पर मैंने 2 टमाटर का पेस्ट बना लिया है। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। गैस पर रखेंगे कढ़ाई। अब इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हो। मैं यहाँ पर सरसों के तेल का यूज़ कर रही हूँ। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें डालें जीरा। जीरा डालने के बाद इसमें डालेंगे धनिया, जो साबुत धनिया हमने कूटी थी उसे डालना है। उसके बाद हींग डालना है, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च और अदरक को भी डाल देंगे हम। और मीडियम फ्लेम पर इसका कलर चेंज होने तक इसे भूनेंगे हम। हल्का कलर चेंज होने के बाद इसमें डालेंगे मसाले। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाला है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। अब इसमें डालेंगे टमाटो की प्यूरी। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को अब हमें मीडियम कर देना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इसे हमें मीडियम फ्लेम पर, जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक हमें इसे पका लेना है अच्छे से। तो ऑयल यहाँ पर सेपरेट हो चुका है। अब इसे एक बार मिक्स करके इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू को मैंने यहाँ पर लंबे साइज़ों में काटा है। आप जिस टाइप का काटना चाहें आप उस तरीके से काट सकते हैं आलू को। आलू मैंने यहाँ पर लंबे लंबे काटे हैं, तो इसलिए मैंने शिमला मिर्च को भी लंबे साइज़ में ही कट किया है। तो यहाँ पर मैंने इसे ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए भून लिया था। अब इसमें मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी है, इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हमने जो टमाटर का पेस्ट ऐड किया है, टमाटर की पेस्ट की वजह से मसाले जो है बिल्कुल अच्छे से कोट हो जाएंगे आलू में और सब्जी बिल्कुल मसालेदार लगेगी हमारी। तो यहाँ पर अब मैंने पानी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा पानी उतना ही ऐड करना है जितने कि आलू उसमें पक जाए, बस उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें ऐड नहीं करना है। और गैस की फ्लेम को लो करके इसे पका लेना है। तो यहाँ पर पानी सूख चुका है और आलू को भी अब हम चेक कर लेते हैं एक फोक की मदद से। तो सब्जी पक चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ आमचूर पाउडर और इसमें डालेंगे धनिया पत्ती। अब इसे मिक्स करके हाई फ्लेम पर हमें सिर्फ इसे 1 मिनट के लिए भून लेना है और सब्जी यहाँ पर हमारी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।